गुड मॉर्निंग, पाई की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले पाई की तरफ से बड़ी अपडेट, पाई के साथ 50 मिलियन पायोनियर जुड़ चुके हैं। पाई की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तैयार हो चुकी है। पाई के साथ 5 करोड़ लोगों का जुड़ना शायद एक बहुत बड़ी बात है। पाई आज के टाइम पे सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है और आने वाले दिनों में ये एक अर्निंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको पाई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लेके चलता हूँ। पाई की तरफ से जो भी बड़ी अपडेट्स आती है वो पाई न्यूज पे आपको मिल जाएगी। पाई की तरफ से अभी जो 1 घंटे पहले बड़ी अपडेट आई है वो आई है, दिस इज द सेकेंड टाइम वी हैव सीन पायनियर्स एंटर द मैरिज हॉल बिकॉज ऑफ पाई, लेट्स ब्लेस देम टुगेदर। तो फ्रेंड्स, एक कपल है जिन्होंने मैरिज गार्डन में एंट्री करी है और शादी करी है, पाई कपल कह सकते हैं आप इसको। ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने शादी करी और इन्होंने अपने मैरिज गार्डन में एक पाई का लोगो भी लगाया हुआ है कि इनकी जो मीटिंग का जो सीक्रेट्स है वो पाई है। इसके अलावा पाई की बात कर लेते हैं ओपन मैरिज की। तो फ्रेंड्स, अब वो दिन शायद दूर नहीं है जब पाई का ओपन मैरिज आने वाला है। इसके लिए 50 मिलियन पायनियर्स, 5 करोड़ पायनियर्स वेट कर रहे हैं कि पाई का ओपन मैरिज कब आएगा। ओपन मैरिज से पहले मैं बात कर लेता हूं केवाईसी की। केवाईसी का स्लॉट सभी के लिए ओपन हो चुका है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से पाई की केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपका नेम आपके आधार कार्ड से मैच होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ से मैच होता है तो आपकी केवाईसी 100% हो जाएगी। दूसरी बात करता हूं मैं ओपन मैरिज की। तो ओपन मैरिज से आने से पहले सभी की केवाईसी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा माइग्रेट टू मैरिज चर्चा का मुद्दा हमेशा बना रहता है मेरी वीडियोस में। माइग्रेट टू मैरिज लोगों का 1-1 साल कंप्लीट हो चुका है बट माइग्रेट टू मैरिज नहीं हो पाया है। माइग्रेट टू मैरिज के लिए सबसे पहले आपको अपने वॉलेट को लॉगिन करना है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वॉलेट को आपको वहीं से लॉगिन करना है जहां से आपका पाई ब्राउजर का अकाउंट है। आपको किसी दूसरे अकाउंट पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। आपकी जो फास्टरेस की है वो कहीं दूसरी जगह पे नहीं डालनी है, आपको अपने अकाउंट में ही डाल के उसको लॉगिन करना है। एक इनका एल्गोरिथम होता है, एक इनका नियम होता है पाई नेटवर्क का। यदि आप अपने वॉलेट का एड्रेस या वॉलेट की फिंगरप्रिंट, वॉलेट के पासवर्ड कहीं दूसरी जगह पे डालते हैं तो आपका अकाउंट सस्पिशियस बन सकता है और आपको माइग्रेट टू मैरिज में दिक्कत आ सकती है। यदि आपका माइग्रेट टू मैरिज नहीं हो पा रहा है तो आप पाई सपोर्ट को मेल भी कर सकते हैं। पाई सपोर्ट को मेल करने के बाद शायद आपका अकाउंट माइग्रेट टू मैरिज हो सकता है। थैंक यू सो मच।